और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री राकेश अचार ने सरकार के एक साल सफलतापूर्वक पूरा करने पर फतेहपुर जिले के गांधी सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार का एक साल पूरा होने पर एक किताब का विमोचन हुआ है और विधानसभा वार सरकार ने जो विकास कार्य कराया, सरकार द्वारा गरीब के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में सफल रही है, जिसके चलते साल भर पहले चुनाव हुआ उसमें योगी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, इसलिए सरकार ने बड़ा बजट पास किया है। देखिए, आज 25 तारीख से योगी जी का एक साल सरकार का पूरा हुआ है, उसी को लेकर के एक पुस्तिका का विमोचन हुआ है, जो विधानसभा वाइज जो भी सरकार ने एक साल में काम कराए हैं वो पुस्तिका आप लोगों को मिल गई है। पूरी तरह से सरकार एक गाँव गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है, उसी के चलते साल भर पहले जो चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी को पूर्ण बहुमत मिला, इसके लिए आपके माध्यम से हम बधाई देते हैं। इसीलिए आज बड़ा बजट सरकार ने अभी पास किया है 6,90,000 करोड़ का, उसमें भी चूँकि फतेहपुर आकांक्षी जिला है और इसमें विशेष तरीके से सरकार की नज़र है, हर स्तर पर चाहे सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सिंचाई हो, या हमारे MSME सेक्टर में हो, ODOP में हो, हर तरफ सरकार की निगाह की जिले में आकांक्षी जनपदों को हमें बराबर लाना है और उनको विकास में अधिक से अधिक धन देकर के उनका विकास। 17 में भी हुए थे उत्तर प्रदेश में, 19 में भी हुए थे, 24 में हुए हैं, विपक्षी एक हो सकते हैं लेकिन जब मोदी जी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार से और जनता से है, हमने जनता के लिए काम किए हैं, इसीलिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को अभी पूर्वांचल में कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई, एक राज से नागालैंड से तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। वो कहते हैं जो हारता है तो खाले बर्तन में भी वो हाथ डालता है कि यहाँ कुछ मिल जाए। कांग्रेस कह रही है कि हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं भी उनके साथ गलत हुआ है और उसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के। अब मैं यही तो बात कह रही हूँ कि उनको ना संविधान में विश्वास है, ना न्यायालय में विश्वास है, ना निर्वाचन में विश्वास है, किस पर विश्वास करेंगे। हाँ, कांग्रेस का एक परिवार पर जरूर विश्वास है, वो है नेहरू खानदान पर, जो भी होगा उसके इर्द गिर्द होगा। और मुझे लग रहा है कि जनता देश की नकार चुकी है, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, पूरी तरह कांग्रेस वहाँ फेल हुई है। ममता बनर्जी भी वहाँ सरकार बनाने गई थी, वहाँ से भी बेहाथ लौटती हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2024 के आने वाले चुनाव में चाहे जितना इकट्ठे हो ले, जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी ID है @JMTNewsFlash।